हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनएफए नेट क्लासेस में। एनएफए के आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं ईएमआरएस। जी हाँ, ईएमआरएस के एग्जाम में के सिलेबस में आपको जो सामान्य हिंदी का टॉपिक दिया गया है जो कि 10 नंबर का होना है, उसके संबंधित आज मैराथन लाने वाले हैं हम। इसमें संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, इन सभी के जो क्विज हैं आपको देखने को मिलेंगे। और क्योंकि मैराथन है तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा और जल्दी से जल्दी हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। संधि से शुरुआत करते हैं। संधि किस भाषा का शब्द है? तो संधि जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। संधि का अर्थ होता है योग या फिर मेल। इनमें से कौन संधि का गुण है? संधि का गुण कौन सा है इनमें से? संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। तो जी नहीं, संधि अक्षरों से नहीं, संधि वर्णों के मेल को कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। संधि में समास होता है। तो जी हाँ, संधि में समास उपस्थित होता है। संधि का अर्थ अलगाव होता है? नहीं, संधि का अर्थ मेल होता है। संधि दो पदों का योग होता है? नहीं, संधि दो वर्णों का मेल होता है। वर्णों का मेल होता है। दो पदों का योग कहाँ होता है? समास में। दो पदों का योग समास में होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? संधि का सिर्फ एक गुण है यहाँ पास, संधि दो पदों का योग होता है। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। सच्चरित में कौन सी संधि है? सच्चरित में व्यंजन संधि होती है, क्योंकि इसका संधि जो विग्रह होता है वो होता है संधि सतधन चरित्र। सत चरित्र, त और च यहाँ पास मिलकर च च बनाते हैं, जो कि व्यंजन संधि का एक नियम है। निषिद्ध, निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या है? निषिद्ध का संधि विच्छेद कहीं पर आपको निषिद्ध मिलेगा और कहीं पर आपको निषिद्ध मिलेगा, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है निषिद्ध, क्योंकि यहाँ पास जो इनका मेल होता है व्यंजन संधि के नियम के हिसाब से होता है। नी और सिद्ध मिलकर यहाँ पर निसिद्ध बनाते हैं, जो कि षटकोण वाला स होता है। तो व्यंजन संधि का इसमें कौन सा नियम लगता है? स के पहले, स के पहले अगर अ या आ के अलावा कोई भी स्वर हो, कोई स्वर हो के अलावा कोई स्वर हो, तो वहां पर इस स का जो कि शक्कर सरिता वाला स है से बदलकर षटकोण वाला स हो जाएगा। सरिता वाला स से षटकोण वाला स बन जाएगा अगर स के पहले अ या अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो। तो यहां पर क्या है? नी का ई है और यहां पर स है, तो यहां पर षटकोण वाला स हो जाएगा। व्यंजन संधि का नियम इस पर लागू होता है, तो यह व्यंजन संधि होगा। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्याधन आलय, आधन आ। विद्याधन आलय मतलब आ, विद्याधन आ। तो यहां पर कौन सी संधि प्रयोग हो रही है? दीर्घ स्वर संधि। सच्चरित्र, सत्यधन चरित्र, क्या है इसका विग्रह क्या होगा? सत्यधन चरित्र। त च, यहाँ पर फिर क्या कर रहे हैं? एक नया वर्ड बना रहे हैं च, जो किसका नियम है? व्यंजन संधि का नियम है। व्यंजन संधि का नियम है यह सच्चरित्र। अतएव, अतएव को विग्रह कर संधि का प्रकार बताइए। अतएव का संधि विग्रह क्या होगा? अतः धन एव, अतः धन एव। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। जहां पर भी आपको यह विसर्ग की मात्रा देखने को मिले वहां पर विसर्ग संधि ही होना है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सूर्योदय, संधि विग्रह में क्या होगा? सूर्य, अ धन उदय, तो उ, अ और उ, कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। अति आवश्यक किस संधि का उदाहरण है? अति धन आवश्यक। अति ई और आ ये मिलकर क्या बना रहे हैं? य, तो यह कौन सी संधि का नियम है? यण संधि का।
यह जड़ संधि का नियम है, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? पवित्र का संधि विच्छेद क्या होता है? पोधन इत्र, पोधन इत्र। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? औ। ओ और ई मिलकर क्या बना रहे हैं? औ। तो कौन सी संधि होती है यहां पास? अयादि संधि। अयादि संधि का यह नियम होता है, औ आय ये सभी अयादि संधि के अंतर्गत आते हैं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? इति धन आदि, इति धन आदि। ई और आ मिलकर क्या बना रहे हैं? या। तो कौन सी संधि हो जाएगी? यण स्वर संधि। विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण यहां पास कौन सा होगा? तो देखते हैं उद्धार क्या होगा। उत धन हार, उत धन हार, जो कि क्या है? व्यंजन संधि है। मनस धन ताप, क्या इसका क्या होगा? मनः धन ताप। तो ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मनस्ताप। विस्मरण क्या है? विधन स्मरण, विधन स्मरण। यह भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। प्रधन माट, प्रधन मान, यह भी क्या है? व्यंजन संधि के अंदर आएगा। हमारा सही उत्तर मनस्ताप। उद्धार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धार का क्या होता है? उत धन हार, उत हलंत वाला त, तो उतहार। कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। निरर्थक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निरर्थक का सही संधि विच्छेद होगा निधन अर्थक। निधर अर्थक मतलब कि विसर्ग संधि, विसर्ग संधि निरर्थक का। यशोधरा किस संधि का उदाहरण है? यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होता है? यश धन धरा। विसर्ग आया तो विसर्ग संधि। परिच्छेद शब्द का सही संधि विग्रह क्या है? परिच्छेद का क्या होता है? परिधन छेद, परिधन छेद। तो यहां पर जब ई मिलता है छ से, तो यहां पर च होता है आधा च। तो किसका नियम है? यह व्यंजन संधि का नियम है। परिधन छेद व्यंजन संधि में आएगा। इनमें से व्यंजन संधि शब्द को चुनिए। व्यंजन संधि शब्द कौन सा है? सज्जन का जो विग्रह है वह क्या होता है? सतधनजन, सतधनजन। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। एकाएक, एक धन एक, एक धन एक। क्या हो गया? ए, ए बना रहे हैं यहां पास, तो कौन सी हो जाएगी? दीर्घ, सॉरी दीर्घ नहीं, वृद्धि। आय की मात्रा यहां पर हो रही है। निसंदेह, निधन संदेह, यहां भी कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि प्रातः काल में तो ऑलरेडी विसर्ग लगा हुआ है, तो वह विसर्ग संधि हो जाएगी। सूर्योदय, सूर्योदय में कौन सी संधि थी? अधन उ मिलाकर, मिलकर क्या बन रहे हैं? ओ। तो गुड़ स्वर संधि। तपोधन वन का विग्रह क्या होता है? तपह धन वन, विसर्ग संधि। निम्नांकित में से उस शब्द को चुनिए जिनमें विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। विसर्ग संधि का प्रयोग कहां नहीं हुआ है? तो अब हमने अभी देखा मनस्ताप क्या होता है, मनः धन ताप, यहां पर विसर्ग लगा हुआ है। निश्चय, नि धन चय। निर्गुण, नि धन गुण। दिग्गज, तो दिग्गज का क्या हो जाएगा? दिक् धन गज। कौन सी संधि हो जाती है यहां पास? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का नियम है यह। दुनीति, दुर्नीति का सही संधि विच्छेद क्या है? दुर्नीति का सही संधि विच्छेद क्या होता है? दुहनीति। विसर्ग संधि में होएगा, विसर्ग संधि आएगा यहां पास, दुहनीति। निम्नलिखित में से यण संधि शब्द का उदाहरण कौन सा है? यण संधि, यण आपको पता है जहां पास य का निर्माण होता है, तो यण संधि शब्द का उदाहरण कौन सा है? यण संधि आपको पता है जहां पास दो वर्ण मिलकर या व और र का निर्माण करते हैं, वहां पास यण स्वर संधि होता है। यहां पास देखते हैं हम महाधन औदार्य, महोदार्य, आधन औ, तो यहां पास वृद्धि वृद्धि जारी है, औ का निर्माण कर रहे हैं।
महाधन उत्सव आधन ऊ, तो यहां पर दीर्घ स्वर का प्रयोग हो रहा है, सॉरी यहां पर गुण स्वर संधि का प्रयोग हो रहा है आधन ऊ। मनुधन अंतर मनवंतर, तो यहां पर व का निर्माण हो रहा है, ऊ और अनमिल अमिल अमिलकर व का निर्माण कर रहे हैं, तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। वधुधन उत्सव ऊ धन ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा ऊ, तो यहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। सही उत्तर कौन सा है हमारा, ऑप्शन तीसरा। राजा राजाज्ञा, राजाज्ञा का संधि विच्छेद क्या होता है, राजा धन आज्ञा, यहां पर राजा धन आज्ञा होगा, ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर है। राजा धन आज्ञा कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। अति उत्तम ई और ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं, यू, यक निर्माण कर रहे हैं, तो जहां भी य व और र बनता है वहां पर कौन सी संधि होती है, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि होती है, ऑप्शन तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अति उत्तम, अति उत्तम में निहित संधि का प्रकार बताइए, तो यण स्वर संधि। लघुर्मी लघु धन उर्मी, लघु लघु धन उर्मी, कौन कौन सी यहां पर वर्ण मिल रहे हैं, ऊ और ऊ, ये दोनों मिलकर ओ बड़ा ऊ बना रहे हैं, छोटा मिलकर बड़ा ऊ बना रहे हैं, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। तल्लीन, तल्लीन का सही संधि विच्छेद क्या है, तल्लीन को अगर हम तोड़ें तो ये होता है तत् धन लीन, तत् धन लीन, और यहां पर जो वर्ण मिलकर एक नया वर्ण बना रहे हैं ल, किसका नियम है, व्यंजन संधि का नियम है, व्यंजन संधि। अनासक्त, अनासक्त इसका क्या होगा, अन्नधन आसक्त, अन्य धन आसक्त, कौन सी संधि हो जाती है, व्यंजन संधि। यहां पर कोई स्वर नहीं है, यहां पर न जो है एक व्यंजन की तरह प्रयोग हो रहा है, तो यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग के विसर्ग को मेल को, विसर्ग का अर्थ होता है ये जो मात्रा हते है इसको हम विसर्ग कहते हैं, विसर्ग एवं विसर्ग के मेल को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि कहते हैं, नहीं, स्वर एवं विसर्ग के मेल को कहते हैं, स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं, तो स्वर और विसर्ग के मेल को हम विसर्ग संधि कहते हैं। यदि धन अपि, तो क्या हो जाएगा, यद्यपि, ई और अ मिलकर क्या बना रहे हैं यहां पर, य, तो य व और र जहां पर जहां कहीं पर मिलते हैं वहां पर क्या होता है, यण स्वर संधि होता है। नीचे दिए गए संधि शब्दों के आगे संधि विच्छेद दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, निरोग, यहां पर प्लस का निशान नहीं है, निरोग का क्या है, निधन रोग, अहोरात्र क्या है, अहधन रात्र, महच्छत्र तेजह पुंज तेजोपुंज तेजोपुंज, महच्छत्र क्या हो गया, महच्छत्र, ये भी सही है, अहोरात्र अहरात्र का अहोरात्र, ये भी सही है। निरोग, निरोग क्या क्या होता है, निधन निधन रोग, यहां पर विसर्ग संधि नहीं होता है, निधन रोग, तो हमारा जो संधि विच्छेद है यह जो संधि विच्छेद है निधन रोग, यह गलत है। समुद्र धन उर्मी, समुद्र धन उर्मी, समुद्र धन उर्मी, अधन ऊ, समुद्रोर्मी, कौन सी संधि हो जाएगी, गुणस्वर। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है, निधन अर्थक। पढ़ते हैं समास के प्रश्नों की ओर, उनके प्रश्नों को देखते हैं मैराथन क्लास में हम बिना रुके। पहला प्रश्न है हमारे पास, समास किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, दो पदों के मेल को हम समास समास कहते हैं, तो यहां पास हमारा सही आंसर कौन सा जाएगा,
ऑप्शन तीसरा, दो शब्दों या दो पदों के मिल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है उसको संक्षिप्त करना, संक्षेप में करना। अन्य पद की विशेषता बताने वाले समास को क्या कहते हैं, जो किसी तीसरे पद की विशेषता बताता है, अन्य पद की विशेषता बताए, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीही समास। लंबोदर, दशानन, ये सभी क्या हैं, बहुव्रीही समास होते हैं। ओंगन तेल में किस प्रकार का समास है, तो ओंगन तेल मतलब कि ओंगने के लिए तेल, ओंगने के लिए तेल, तो यहां पर जो के लिए है यह विलुप्त था, तत्पुरुष समास हो जाएगा। साल दर साल, साल के बाद साल, कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। जो शब्द रिपीट होते हैं उसे हम अव्ययी भाव के समास के अंतर्गत रखते हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद हैं, तो द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, एक होता है समाहार द्वंद्व। तीन भेद होते हैं द्वंद्व समास के। नीलांबर शब्द में कौन सा संबंध है, समास है, नीला है अंबर, नीला है अंबर, अंबर कैसा है, नीला है। अंबर की विशेषता क्या है, कि वह नीला है। तो जब प्रथम पद किसी की विशेषता बताता है तो वह कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास क्या है, तत्पुरुष समास इनमें से कौन सा है, भाई बहन का समास विग्रह क्या होगा, भाई और बहन, भाई और बहन, जो कि क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। नीलकंठ, कंठ है नीला, तो यह कौन सा हो जाएगा, आपका नीलकंठ, कंठ नीला है, कर्मधारय समास। कहीं कहीं पर इसे बहुव्रीही भी लिया जाता है। आप बीती, आप पर बीती, स्वयं पर बीती, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, प्रथम पद किस समास में संख्यावाची होता है, तो जो द्विगु समास होता है वह संख्यावाची होता है। त्रिलोक, चौराहा, त्रिभुज, ये सभी क्या है, द्विगु समास के उदाहरण है। निम्न में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण लिखिए। अव्ययी भाव समास जो एक तरह से अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो उपसर्ग का प्रयोग करता है, शब्दों से पहले उपसर्ग का प्रयोग करता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो रक्त, पुष्प, गंगा जल, सीताराम, निसंदेह, निसंदेह को अगर विघ्रित करें हम तो क्या हो जाएगा, निसंदेह, बिना संदेह के, सही उत्तर हो जाएगा हमारा निसंदेह। यावत जीवन, यावत जीवन में किस प्रकार का समास है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास इसका सही उत्तर है। स्नेह मग्न किस तत्पुरुष समास का, समास का उदाहरण है। स्नेह मग्न को अगर हम समास विग्रह करें तो किस क्या होगा इसका समास विग्रह, स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न या फिर स्नेह में डूबा हुआ, तो इसका सही, उसका कौन सा समास हो जाएगा, अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष। धर्माधर्म में कौन सा समास है, धर्म अधर्म, बार बार रिपीट हो रहा है, धर्म और अधर्म दोनों एक साथ है, धर्म और अधर्म, धर्माधर्म, तो कौन सा यह समास हो जाएगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास। जहां पर एक एक दूसरे के अपोजिट वर्ड लिखे होते हैं वहां पर हम वैकल्पिक द्वंद्व का प्रयोग करते हैं। गीतकार में कौन सा समास है, गीतकार का विग्रह क्या होगा, गीत की रचना करने वाला, गीत की, गीतों की रचना करने वाला, रचनाकार, गीतों का रचनाकार,
तो यह कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला है, निम्न में से अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, भतखवा, बनमानुष, मालगोदाम, सरगवासी। बन मानुष, बन में रहने वाला मानुष, बन में रहने वाला या फिर विचरण करने वाला मानुष, रहने वाला मानुष, मनुष्य। तो बन मानुष में का प्रयोग हम कहां करते हैं, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण समास में करते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास में। भतखवा क्या होता है, भात खाने वाला। माल गोदाम क्या होता है, माल के लिए गोदाम, के लिए का प्रयोग होता है यहां पर। स्वर्गवासी, स्वर्ग का वासी, स्वर्ग का निवासी। हाथों हाथ में कौन सा समास है, हाथों हाथ में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ये जो वर्ड रिपीट होते हैं पास, हाथों हाथ जब एक जैसे वर्ड रिपीट हो वहां पास अव्ययी भाव समास होता है। भर पेट किस समास का उदाहरण है, भर पेट मतलब पेट भरकर, भर पेट, पेट भरा हुआ है, क्या है, पेट भरा हुआ है, किसका उदाहरण हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का। उपसर्ग से बना है यहां पर। नीति युक्त, नीति युक्त में कौन सा समास है, नीति से युक्त, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, करण तत्पुरुष। करण में हम से और से का प्रयोग करते हैं। तन मन धन कौन सा समास है, द्वंद समास। द्वंद समास किसे कहते हैं, जब दोनों पद समान होते हैं, यहां पास तीन पद हैं, तीनों पद समान हैं, तीनों की बराबर वैल्यू है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा द्वंद समास। तत्पुरुष समास के उदाहरण को चिन्हित कीजिए, तत्पुरुष समास इसमें से कौन हो जाएगा, माखन चोर, माखन का चोर, माखन को चोर, ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। भाई बहन में क्या हो जाएगा, भाई और बहन कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद समास हो जाएगा। दस आनंद, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण, मतलब की बहुब्रीही समास हो जाएगा, बहुब्रीही। पंचमुखी, हनुमान जी की बात हो रही है, बहुब्रीही समास। बहुब्रीही समास का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, पंचवटी, नवयुवक, निर्जन, सूलपाड़ी, सूलपाड़ी, ये जो है बहुब्रीही समास का उदाहरण हो जाएगा। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो कर्मधारय समास, जो विशेषण और विशेष के योग से बनता है, प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष, तो कर्मधारय समास होता है। मनमाना शब्द किस समास का उदाहरण है, मनमाना, मन से माना, मन से माना, तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से। अगला प्रश्न कौन सा है, सामासिक पद भेड़ बकरी में प्रयुक्त समास है, भेड़ बकरी, भेड़ बकरी अर्थात भेड़ और बकरी, द्वंद समास की बात हो रही है, दो पद हैं, दो पद प्रधान है दोनों पद, तो द्वंद समास। महापुरुष में कौन समास है, पुरुष को ऐसा है, महान है, किसकी विशेषता बता रही है, ये विशेष्य और वो विशेषण, विशेषण और विशेष का कॉम्बिनेशन हो, तो वहां पास कर्मधारय है, जिसकी विशेषता बताई गई उसे हम विशेष कहते हैं, तो कर्मधारय समास। चंद्रमौली का समास विग्रह क्या है, चंद्र है मौली में जिसके, अर्थात कौन, शिवजी, बहुव्रीही समास हो जाएगा। गृह कलह, गृह में कलह, घर में कलह, कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, अधिकरण समास, अधिकरण तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष का सही शब्द चुनिए, अपादान तत्पुरुष मतलब कि से का प्रयोग होता है, किस किसके लिए, मुक्त होने के लिए, जहां अलग होने का भाव हो वहां पर उस जगह से का प्रयोग होता है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त, कौन सा हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। रस भरा, रस से भरा, रस से युक्त, यहां पर अलग होने का भाव है क्या, नहीं है। रोग ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, अलग होने का भाव नहीं है,
यहां भी से का प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहां पर युक्त होने का भाव हो रहा है, जुड़ने का भाव हो रहा है। मद मस्त, मद में मस्त, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला। समास के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। विलोम शब्द और पर्यायवाची, अशुद्ध शब्द, अशुद्ध वर्तनी, इन सभी के प्रश्नों को हम देखेंगे। पहला है, जय का विलोमार्थी क्या है? तो जय का विलोम क्या होगा? पराजय। जातीय शब्द का विलोम शब्द क्या है? जातीय का क्या विलोम क्या होगा? यहां पास विजातीय, विजातीय। अनुराग का विलोम क्या है? अनुराग का विलोम हो जाएगा विराग। संगठन का विलोम क्या हो जाएगा? संगठन का हो जाएगा विघटन। महान, महान का विलोम क्या है? जो महान है उसका विलोम क्या हो जाएगा? तो क्षुद्र हो जाएगा महान का। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही विलोम शब्द का नहीं है? सुदूर, सन्निकट, अनुरक्ति, आसक्ति, शुष्क, सिक्त, गौरव, लाघव। तो अनुरक्ति का जो विलोम है यह होगा विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विरक्ति। विशाल शब्द का सबसे उपयुक्त तो विलोम शब्द क्या है? तो विशाल का जो अपोजिट है वह क्या हो सकता है? पास छोटा भी हो, विशाल का अपोजिट होगा, क्षुद्र भी होगा, लघु भी होगा, लेकिन उपयुक्त क्या है विशाल के लिए? यहां पास हो जाएगा क्षुद्र। लघु का क्या हो जाएगा? दीर्घ। निम्न का क्या हो जाएगा? उच्च। छोटा का क्या हो जाएगा? बड़ा। गूंगा का विलोम क्या है? गूंगा जो बोल नहीं सकता तो उसका विलोम होगा, जो बोल सकता है तो वाच्य। वृद्धि का विलोमार्थी क्या होगा? हास। वृद्धि का विलोम हास। गरिमा का विलोम क्या होता है? लघिमा। निम्न में से निम्न हरकत का शब्द का निम्न में से हरकत का अनेकार्थी शब्द चुनिए। हरकत का अर्थ होता है गति करना, चेष्टा करना, एक्टिविटी। निम्न में से कौन सा शब्द जलज शब्द का समानार्थी नहीं है? जलज का समानार्थी नहीं है। तो जो बादल है यह जलज का समानार्थी नहीं है। जलज का अर्थ होता है कमल, जो जल में रहता है, मछली, ये भी जल में रहता है, मोती भी जल में है, लेकिन बादल क्या है? जल से बाहर की चीज है। पर्यायवाची शब्दों की ओर चलते हैं। पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं? एकार्थक भी कहते हैं, समानार्थी भी कहते हैं, प्रतिशब्द भी कहते हैं, प्रतिशब्द भी कहते हैं। उपयुक्त सभी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रिपु का पर्यायवाची क्या है? रिपु का अर्थ होता है दुश्मन। का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अरि। दामिनी का पर्यायवाची शब्द है, दामिनी का पर्यायवाची होता है विद्युत। रवितनया, रवितनया मतलब सूर्यपुत्री, सूर्यपुत्री को हम क्या कहेंगे? कालंदी, यमुना जिसे हम कहते हैं, उसे सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। पुंडरीक, पुंडरीक का पर्यायवाची क्या होगा? पुंडरीक किसे कहते हैं? हम कमल को कहते हैं, जो सफेद कमल होता है उसे पुंडरीक कहते हैं। नलिन का अर्थ क्या होता है? कमल होता है। पुरंदर का पर्यायवाची क्या होता है? इंद्र, परमेश्वर मतलब भगवान या ईश्वर। पीयूष का मत किसको बोलते हैं? अमृत को। कमल का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? रसाल, नलिन, राजीव, उत्पल। तो वो ये दो तीनों हैं ये कमल के पर्यायवाची हैं। रसाल का अर्थ होता है आम, आम। शब्द केवल नाद उत्पन्न करते हैं, कौन से शब्द केवल नाद उत्पन्न करते हैं? पर्यायवाची शब्द। इसकी एक अन्य परिभाषा भी होती है जो नाद उत्पन्न करते हैं। भास्कर का पर्यायवाची शब्द है भास्कर, दिवाकर। निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची आप जानते हैं जलज, किसका था? बादल का, सॉरी गलत हो गया,
कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जलद। जलद का अर्थ क्या होता है? बादल, बादल या मेघ। निम्न में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? सक्र, अंबर, चीर, वसन। तो जो शक्र है यह कमल का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनिल। अनिल जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है? हाटक, हिरण्य, जातरूप। ये तीनों जो है स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये तीनों जो है स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। स्वर्ण या सोना, ये तीनों जो शब्द हैं सोना के पर्यायवाची शब्द हैं। कुसुमेशु, कुसुमेशु का पर्यायवाची क्या है? कामदेव। कुसुमेशु का कामदेव। और इसके और कौन से पर्यायवाची होते हैं? ऋषिकेतु, ऋषिकेतु, मकर केतु, मन्मथ। ये तीनों क्या हैं? कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन सा शब्द रश्मि का पर्यायवाची नहीं है? रश्मि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मयूर, सम्मद, अंशु, किरण। तो ये जो सम्मद है ये रश्मि का पर्यायवाची नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है सम्मद का? प्रमोद या आमोद प्रमोद जो कहते हैं उसका अर्थ यही होता है। कौन सा शब्द कंज का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कंज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मदिरा। ये तीनों कंज के पर्यायवाची हैं। अमृत, ब्रह्म, कमल। मदिरा जो है यह अलग शब्द है। अगला है वर्तनी, शुद्ध वर्तनी का जो प्रश्न है ये देखते हैं हम। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी इनमें से किसका है? तो दधीचि, ये जो है अपने शुद्ध रूप में है। याज्ञवल्क्य नहीं होता है, यह याज्ञवल्क्य होता है। याज्ञवल्क्य, वल्क्य, याज्ञवल्क्य। निवृत्ति, निवृत्ति नहीं होती है, निवृत्ति होती है। यहाँ पर जो आधाता है ये नहीं होगा। घनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं, घनिष्ठ। यहाँ पर ट की जगह ठ होगा। अधोलिखित में, अधोलिखित मतलब इधर लिखित। वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है ये देखना है हमको। अंतर्धान शुद्ध है, अनुगृहित ये भी शुद्ध है। अध्यात्म, आध्यात्म नहीं होता, यह अध्यात्म होता है। अध्यात्म छोटा अ होगा यहां पास, ये कट जाएगा। अधीन ये भी सही है। तो यहां पास हमारा अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? आध्यात्म। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी किसकी है इसमें? अनाधिकार। इसका शुद्ध क्या होता है? अंधिकार, अंधिकार। शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से? कुमुदिनी, छोटा कु, छोटा मु, दिनी, कुमुदिनी। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शब्द इसमें दिए गए हैं, इसमें से हमको देखना है। आधीन, आधीन नहीं होता है या अधीन होता है? अधीन होगा। व्यवहारिक, व्यवहारिक नहीं होता, यह व्यावहारिक होता है। व्यावहारिक,
मिष्ठान, मिष्ठान नहीं मिष्टान होता है, मिष्टान। अत्यधिक, यह हमारा शुद्ध रूप में है अत्यधिक। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहां पर शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अंत्याक्षरी, यह सही सही फॉर्म में है। पूजनीय, पूजनीय, यह गलत है। अंतोदोत्प्रांत भी गलत है, कवयित्री भी गलत है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा अंत्याक्षरी। पूजनीय क्या होता है? पूजनीय, पूज्य, जो आधा ज है यम में, यह गलत है। तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है, तदुपरांत। कवयित्री नहीं होता, कव यित्री, कव यित्री। क्लियर? कौन सा शुद्ध है यह बताना है। विदुषी, पहले नंबर पे है हमारा विदुषी, यह हमारा शुद्ध रूप में है। विदुषी नहीं होता, विदुषी, ये तीनों गलत है। वर्तनी की दृष्टि से शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? जो निरापराध, यह अशुद्ध है। निरापराध नहीं, निरपराध होगा, निरपराध। तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अब ये जो देखना है इसमें, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम में नहीं है, ये देखना है। दीक्षा तत्सम शब्द है, दीक्षा का परीक्षा, ठीक है। सुकर बलिवर्द, ये भी तत्सम शब्द है। सुकर कर था है सुअर, बलिवर्द का होता है सांड, ये दोनों तत्सम शब्द है। कपूत सपूत, कपूत सपूत, तो यहां पर जो कपूत है यह तद्भव है, तद्भव। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। वरिष्ठ कनिष्ठ, ये दोनों भी तत्सम शब्द है। तो यहां पर जो है कपूत सपूत में ये एक तद्भव हो गया और एक तत्सम हो गया। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सी है? अशुद्ध कौन सी है? मिथलेश कुमारी, मिथलेश कुमारी, यहां पास होगा मी थी लेस, ये सही शुद्ध वर्तनी होता है इसका, मिथिलेश। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें? तो हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु जो है यह अशुद्ध है। हमने, हमको लगता है कि कहीं हम पढ़ते हैं बुक वगैरह में तो अक्सर के हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप लिखा होता है, लेकिन हिरण्यकश्यप उसका शुद्ध रूप नहीं होता। इसका शुद्ध होता है हिरण्यकशिपु, ये जो है इसका शुद्ध रूप है, हिरण्यकशिपु। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रतिदर्श, दृष्टा, दृष्टा, रचयिता, आहार। तो प्रतिदर्श जो है ये शुद्ध वर्तनी में है। दृष्टा नहीं होता, यह दृष्टा होता है, दृष्टा। रचयिता नहीं होता, यह होता है रचयिता, रचयिता। आहार, आहार। एक वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है भाई? कौन सी वर्तनी शुद्ध है इसमें? खिवैया, न्यौछावर, न्यछावर, अनन्नास, निरपेक्ष, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। अनन्नास, यह सही है। निरपेक्ष, ये भी अशुद्ध है। खिवैया का क्या होता है? खेवैया, खेवैया। न्यौछावर नहीं होता, न्यौछावर होता है यहां पर, न्यौछावर। निरपेक्ष की जगह निर पूरा रहा होगा, निरपेक्ष। एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी है? षटदर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट, पर्यावसान। तो पर्यावसान यह शुद्ध रूप में है। षटदर्शन नहीं होता, षडदर्शन होता है, षड दर्शन। अनापेक्षित नहीं होता, अनपेक्षित है, अनपेक्षित। क्लिष्ट नहीं होता, क्लिष्ट नहीं होता, क्लिष्ट होता है, यहां पर आधा क। वर्तनी शुद्ध है, किसकी शुद्ध है? उन्नयन,
उन्नयन आधा ना न के पर। एक वर्तनी शुद्ध है किसकी? आविष्कार, देवार्षी, निशब्द, जमाता। तो आविष्कार जो शब्द है यहां पर शुद्ध है, देवार्षी नहीं होता, देवर्षी होता है, देवर्षी। निशब्द नहीं होता, निःशब्द होता है, निःशब्द। विसर्ग लगाएंगे यहां पर। जमाता, जामाता। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? कलेश, क्लेश, क्लेश या क्लेश सक्कर। तो यहां पर जो क्लेश है ये वाला, यह इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये जो दो आधा जा लगे होते हैं इसमें उज्ज्वल में, दोनों आधा जा वाला शुद्ध रूप में होता है उज्ज्वल। अक्सर कंफ्यूजन होता है यहां पर जब पूरा ज लगा है यहां पर इसमें और इसमें, तो आप ध्यान रखेंगे कि जहां दोनों आधा ज लगा होगा वह पर वह पूरा होगा, वह सही होगा। शुद्ध वर्तनी किसमें से है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हिरण्यकश्यप हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होता है? हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु। शुद्ध वर्तनी किसकी होती है? कवयित्री, कवयित्री। शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? आनुषंगिक, आनुषंगिक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सी है? नरक, नरक होता है, नरक नहीं, नरक, नरक में सड़ेगा तू, नरक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द है यहां पर टिप्पणी। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्या? उज्ज्वल सही है, तो इसके साथ जो समुज्ज्वल है यह भी सही है, प्रज्वलित भी सही है, समुज्ज्वल ये गलत है। पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष, आशीर्वाद, कौन सा इसमें अशुद्ध है? तो निश्चेष्ट जो है यह अशुद्ध है, इसका जो शक्कर वाला सा लगेगा यहां पास निश्चेष्ट। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा, परीक्षा शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होता है? शब्द कौन सा है, क्या होता है मतलब? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो जो धोबिन है, छोटी बी, छोटी बी, ये हमारा शुद्ध शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भागीरथी, भागीरथी। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? भुझक्कड़, कुंकड़, भुक्खड़, लंगड़। तो यहां पास अशुद्ध कौन सा है? भुक्खड़। क्या होगा यहां पास? छोटा भू, भू। अच्छा यहां पास जो, यहां पास दोनों में बिंदी होगा, ड है ये, ड यहां पास बिंदी, ये प्रिंट मिस्टेक था, ड। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुश्रुषा, सुश्रुषा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ईर्ष्या, बड़ी ई होगी, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें छोटी ई के साथ, तो बड़ी ई वाला जो ईर्ष्या है वह शुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, यहां पर छोटा छोटा जा, आधा आधा जा वह पर लगे रहता है, अशुद्ध है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध शब्द बताना है हमको। अंतर्धान क्या है? शुद्ध है। षष्ठम क्या है? अंतर्धान क्या है? ये हमारा शुद्ध है। षष्ठम के, षष्ठम नहीं होता, ये षष्ठम होता है, षष्ठम। सहस्त्र, सहस्त्र, सहस्त्र क्या हो जाएगा यहां पास? ये वाला स नहीं होता, सहस, यहां पर त्र में एक छोटा सा, आधा छोटा सा लगता है ऊपर में,
ये हमारा गलत है। अनुषंगिक, अरे यार क्वेश्चन को हटा देना भाई, हटा देना क्वेश्चन को। 23:30 में है। तेईस बीस क्वेश्चन को हटा देना, काट देना। निम्न में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। वर्तनी अशुद्ध किसकी है? कौशल्या, मैथिली शरणगुप्त, मेघनाथ, राहुल सांस्कृतायन। तो राहुल सांस्कृतायन जो है यह अशुद्ध है। यहां पर स नहीं होगा, ये सांकृतायन होता है। सांकृतायन, सांकृतायन। वर्तनी अशुद्ध है। अधीन, भागीरथी, जागृत, अनुग्रहित। तो ये जो जागृत है यह जागृत नहीं होता, जाग्रत होता है, जाग्रत। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? महत्व, वाल्मीकि, पैतृक, सन्यासी। तो जो सन्यासी है यह अशुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि सन्यासी में जो बिंदु भी लगता है और आधा न भी लगता है, सन्यासी। शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? द्वारका, पूजनीय, अंतर्ध्यान, अहिल्या। तो ये जो तीनों हैं ये गलत है, अशुद्ध है। सिर्फ द्वारका ये सही है। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध कौन सा है? ये जो पहला वाला यानी है यह अशुद्ध है। यानी का जो सही शुद्ध रूप है ये है, यानी है, बड़ा ई के साथ। शुद्ध शब्द कौन सा है? जिजीविषा। ये जो है जी, बड़ी जी, छोटी वी, सा, षटकोण का। किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो हमने देखा भी सन्यासी जो है ये शुद्ध वर्तनी में है, यहां पर जब बिंदु लगता है तब। ये जो अनुग्रहित है गृहित होता है, अनु गृहित, गृहित। अकाल नहीं होता, अकाल होता है। आजीविका नहीं होता, आजीविका होती है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल सही है, श्रृंगार गलत है, कवयित्री सही है, श्रद्धा भी सही है। श्रृंगार का क्या होगा? यहां पर शक्कर वाला, शलजम वाला जो सा है श्रृंगार, ये होता है। लेकिन अक्सर जब हम कभी भी बुक वगैरह हम देखते हैं तो यहां पर ये श्र वाला श्रृंगार ही लगो प्रयोग होता है श्रृंगार शब्द में। लेकिन इसका जो शुद्ध रूप है ये होता है सलजम वाला सा। ध्यान देंगे इसको, प्रश्न में ऐसी ही चीजों को पूछा जाता है जहां पर आदमी कंफ्यूज होता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कर रहा है। क्षेत्र ये सही है हमारा, शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए फिर से। रासायनिक, रासायनिक, रा बड़ा रा याद रखिएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? उपयुक्त, उपर्युक्त, उपरियुक्त, उपरोक्त। तो शुद्ध कौन सा है? उपरियुक्त। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध कौन सा है इसमें? ज्योत्सना, आधा ता आधा सा न पर, ज्योत्सना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सदृश्य, सदृश, सदृश्य या फिर सदृश। तो सदृश्य होता है। निम्न में से सही वर्तनी किसकी है? वर्तनी सही वर्तनी किसकी है? पहला आनुषंगिक, आनुषंगिक। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? आशीर्वाद, आशीर्वाद। शुद्ध शब्द कौन सा है? पूजनीय, पूजनीय। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है
वाक्यांशों के लिए एक शब्द, प्रश्नों के माध्यम से इसको देखते हैं। जिसके पास कुछ ना हो के लिए क्या शब्द होगा, उसे हम क्या कहते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे हम कहेंगे अकिंचन। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम निरर्थक। मोक्ष की इच्छा करने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु। अनावश्यक दोष ढूंढने वाले को कहते हैं, जो बिना मतलब कोई गलतियां निकालते रहता है उसे छिद्रानवेशी, मतलब छोटी छोटी चीजों पर दोष ढूंढते रहता है। दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला कहलाता है छिद्रान्वेषक। छिद्रान्वेषक जो दूसरों की त्रुटियां ढूंढता है। जिसका पति परदेश से लौटा हो, परदेश से वापस आया हो, उसे हम क्या कहेंगे? आगत पतिका। आगत मतलब जो वापस आया हो, रिटर्न हुआ हो, जो गया हो उसे क्या कहेंगे? गत पतिका। इंद्रियों के संबंध, इंद्रियों से जो संबंधित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंद्रिय, इंद्रिय विषय। जो सबके मन की बात जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसे हम क्या कहेंगे? अंतर्यामी। जो जीतने योग्य हो, जेय, जेय, और जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजेय। मुहावरे एवं लोकोक्तियों की तरफ चलते हैं, अगला पाठ है हमारा। निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? घाव हरा होना, कान भरना, खून खोलना और निर्धन आदमी होना। तो ये जो है हमारा मुहावरा नहीं है। कौन सा क्रम सही नहीं है? गांठ बांधना, चुल्लू भर पानी में डूबना, उल्टे बांस बरेली को, ऊंट किस और बैठता है। तो उल्टे बांस बरेली को, इसका क्रम सही नहीं है। अकल के घोड़े दौड़ाना का अर्थ क्या है? तरह तरह के उपाय सोचना। तूती बोलना अर्थात प्रसिद्धि होना। सब्ज बाग दिखाना, लोभ दिखाकर बहकाना, उसे व्यर्थ के लालच दिलाना। सांप छछुंदर की गति होना अर्थात दुविधा में पड़ना, दुविधा में पड़ना, उसे हम क्या कहेंगे? सांप छछुंदर की गति हो गई। मुसीबत में मुसीबत, मुसीबत पर मुसीबत आए, उसे हम गरीबी में आटा गिला। और एक और इससे मिलता क्या होता है? आसमान से गिरे खजूर पर अटके, आसमान से गिरे खजूर में अटके, इसका अर्थ भी यही होता है। किस क्रमांक में मुहावरा है? मुहावरा कौन सा है ये देखना है। सहज पके सो मीठा होए, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना ये एक मुहावरा है, बाकी सभी क्या है? लोकोक्तियां हैं, लोकोक्तियां और कहावतें। इस क्रमांक में मुहावरा है, कौन सा मुहावरा है? घोड़े पर सवार होना, जो गरजते हैं बरसते नहीं, सेवा करे तो मेवा पावे, तोता चना बाजे घना। घोड़े पर सवार होना एक मुहावरा है, बाकी लोकोक्तियां हैं। किस क्रम में जीती मक्खी निगलना, जीती मक्खी निगलना का सही अर्थ है? तो जानबूझकर अन्याय करना, जानबूझकर अन्याय करना, हानि पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को पैसे का नुकसान पहुंचाना, खासकर की क्या कहलाता है? चूना लगाना। हथेली पर सरसों उगवाना, उगवाना तो तुरंत कार्य कराना। ऊंची दुकान फीका पकवान मुहावरे का अर्थ क्या है? आडंबर अधिक वास्तविकता कम, जो दिखावा ज्यादा करते हैं काम कम करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? ऊंची दुकान फीका पकवान। आग में घी डालना, क्रोध को और ज्यादा भड़काना। चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ है। आवश्यकता से अधिक व्यय करना, आय से अधिक व्यय करना। नेकी और पूछ पूछ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो भलाई करने के लिए क्या पूछना, नेकी और पूछ पूछ सही काम के लिए, भाई किसी का आदेश लेने की जरूरत थोड़ी है, आज्ञा लेने का। ढाक के तीन पात, स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना होना, जस की तस बने रहना। हाथ का मैल होना अर्थात अल्प महत्व का कार्य, किसी कार्य को कम महत्व देना, तुच्छ समझना, छोटा समझना, हाथ का मैल होना।
सौभाग्य के दिन आना अर्थात सितारे बुलंद होना। कागज की नाव क्षणभंगुर, जो कुछ समय के लिए हो, अल्प समय के लिए हो, क्षणभंगुर कहलाता है। कागज की नाव मुहावरे का अर्थ होगा। थाली का बैंगन सिद्धांत भी इसका अर्थ होता है, मौका परिस्थिति भी होता है, तो उपयुक्त दोनों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आ बैल मुझे मुहार, मतलब जानबूझकर संकट को में फंसना, जानबूझकर संकट में फंसना, उसे निमंत्रित करना। चांदी का जूता मारना, उत्कोच मारना, कटाक्ष करना, व्यंग करना, चांदी का जूता मारना। देव देव आलसी पुकारा, तो देव का अर्थ क्या है इसमें, देव का यहां पर अर्थ विधि से है, विधि नियम। तीन लोक मथुरा से न्यारी, अर्थात सबसे अलग विचार रखना, सबसे अलग विचार रखना। अंतर के पट खोलना, विवेक से काम लेना, बुद्धि का जागृत हो जाना। अरण्य चंद्रिका मुहावरे का सही अर्थ क्या है, निष्प्रयोजन पदार्थ, बिना मतलब का, वेस्टेज। काठ का उल्लू होना, निपट मूर्ख होना, पूरी तरह से बेवकूफी। आठ आठ आंसू रोना, अर्थात बुरी तरह पछताना, बुरी तरह पछताना। सूरदास खल कामरी, चढ़े न दूजाओ रंग, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या होता है, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। जो स्वाभाविक रूप से जिन लोग दुष्ट हैं, उनसे आप कितने भी सुधारने की कोशिश कर लो, वे अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेंगे। सांप छछूंदर की गति होना, अभी हमने पढ़ा, द्विधा में पढ़ना। गुलर का फूल होना, अर्थात कभी भी दिखाई नहीं देना, तो गुलर का फूल जो है बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ता है, तो इसके लिए यह मुहावरा तैयार किया गया है, जो कभी ना दिखाई दे। ख्याली पुलाव पकाना, व्यर्थ की कल्पनाएं, बेकार की कल्पनाएं करना, पड़े पड़े सिर्फ सपने देखना, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरा का अर्थ है। मन के लड्डू खाना, मन ही मन प्रसन्न होना, खुश होना। भयानक व्यक्ति, अर्थात किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, काला नाग, भयानक व्यक्ति, खतरनाक व्यक्ति। तीन कनौजिए 13 चूल्हे, व्यर्थ की निकता चुनी, व्यर्थ की नुक्ता चीनी। कष्टमय जीवन व्यतीत करना, प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है, कष्टमय जीवन व्यतीत करने का उसे क्या कहेंगे, आग लगाना, मुंह की खाना, हाथ मलना, तो ये जो तीनों हैं, इसका सही अर्थ नहीं बता पा रहे हैं, तो इनमें से कोई नहीं। काफूर होना, गायब, गायब हो जाना। अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना। एक आंख से देखना, अर्थात समभाव से देखना, सभी को समान दृष्टि से देखना, को एक आंख से देखना मुहावरे से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आनाकानी करना, अर्थात टाल मटोल करना, बहाने बनाना। गाल बजाना, डिंग हाकना, अपने ही गाल बजाना, अर्थात अपने ही प्रशंसा करना। टोपी उछालना, इसका अर्थ भी डिंग हाकना ही होता है। तो दोस्तों, हमने अभी देखा लोकोक्तियां, मुहावरे एवं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो प्रश्न थे, उनको हमने देखा आपके सिलेबस के अनुसार। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।